अस्सलाम वालेकुम प्रिक्लास, आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको, आपके सब घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाउ इट इज स्टोरी टाइम ऑफ लेटर जी। आपको पता है जी का भी एक साउंड होता है, जी से ग। जी एक दिन गार्डन में जाता है वॉक करने के लिए। गार्डन में उसे एक गगल नजर आती है। वो गगल के साथ मिलके वॉक कर रहा होता है तो वहाँ उसको ना एक आवाज आती है। पता कैसी आवाज होती है वो? उसको वो गौर से सुनता है तो आवाज होती है मैं। वो देखते हैं किसकी आवाज है। वो थोड़ा आगे जाके देखते हैं, वहाँ उनको एक गगोत नजर आती है। गगोत को भूख लगी होती है। वो सोचती है इसीलिए ये इस तरह की आवाजें निकाल रही है। अब गगल क्या करती है, वहां से गार्डन में से गग्रास लेके गगोट के आगे डाल देती है। गगोट गग्रास खाती है, फिर वो चुप हो जाती है। आपको पता गगोट मिल्क भी देती है, हम इसका मीट भी खाते हैं। फिर वो गगल और जी घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं कि जी जब गार्डन में जाता है तो उसको वहां कौन नजर आता है? गगल। गगल किसकी आवाज सुनती है? गगोट की। गगोट को वो क्या खिलाते हैं? गग्रास। अब देखें गौर से, गगोट, गग्रास, गगल, इन सबका फर्स्ट लेटर क्या है भला? इन सबका फर्स्ट लेटर है जी। इसका मतलब है कि गगोट, गगल, गग्रास, इनका नाम जी से स्टार्ट होता है। ओके प्रिक्लास, आज आपने पता क्या करना है? आज आपने अपने घर में ढूंढना है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका नाम जी से स्टार्ट होता है। मामा को भी बताना है आपने, जैसा कि गगे, गग्लव्स, गग्रेप्स, ये सारी चीज़ों के नाम जी से स्टार्ट होते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं, आपने आज ढूंढना है और मामा के साथ मिलके ढूंढना है कि कौन कौन सी चीज़ें जिनका नाम जी से स्टार्ट होते हैं। और इसके बाद ये है हमारी वर्कबुक। देखें इसमें भी ये जी बना हुआ है, गगोट है, गगर्ल है। आपने इसमें अच्छे अच्छे से कलर करने हैं और जी के ऊपर ट्रेसिंग करनी है। मैं देखूंगी कौन से बच्चे हैं जो अच्छा अच्छा काम करेंगे अपना। ये अच्छा अच्छा होमवर्क करके मुझे चेक करवाना है आप सबने। फिर मैं आपको जो अच्छा अच्छा होमवर्क करेगा उसको स्टार भी दूंगी। ओके।